तुम सब माने हुए चोर हो। दुनिया तुमको महाचोर कहती है, तुमको चोरों का सरदार कहती है, तुमको तूफानी चोर कहती है, तुमको चोरों का चोर कहती है, और तुमने अपना तारुफ नहीं करवाया। दुनिया मुझे चोरों का बादशाह कहती है। तुम सबकी धूम सुनकर ही मैंने तुमको बुलाया है। मेरे आबाओ अजदाद अपनी किताबों में एक राज छोड़ गए थे। शिबनी नागा के खंडर में वो खजाना दफन है, जो भी उसके अंदर गया वो खत्म हो गया। मुझे वो खजाना हर सूरत में हासिल करना है। अगर तुम में से कोई ला सके तो मुंह मांगा इनाम दूंगा। मुझे आपकी रानी का बच्चा चाहिए। मेरा मतलब है आपकी घोड़ी रानी का। रानी के इस बच्चे के बदले जो कीमत तुम चाहो ले लो। अरे साहब, आप तो जानते हैं मैं कौन हूं, चोरों का बादशाह। मैंने जब भी चोरी की है हमेशा अपने लिए की है, लेकिन आज आपके कहने पर मैंने सिर्फ इस बच्चे को इनाम में लेने के लिए चोरी की है। हैरत है, तुम तो इसको चोरी करके भी ले जा सकते थे। चोरी छोड़ चुका हूं, इसीलिए मैं ये इनाम में मांग रहा हूं। दरअसल मेरे बेटे बाबर ने इसे कहीं देख लिया था और पसंद किया था, और मैंने अपने बेटे की ख्वाहिश हर सूरत पूरी करनी है। लो बेटा, मैंने तुम्हारी ख्वाहिश पूरी कर दी। यही थी ना तुम्हारी पसंद? अब संभालो अपनी चीज को। ओहो, गड़बड़ मालूम होती है ये चेहरे पे गुस्सा काहे का। अरे तुम्हें अपने बेटे की ख्वाहिश पूरी होते हुए देखकर खुशी नहीं हुई? कातिल जी, सच सच बताओ, तुमने अपने बच्चे की जिद पूरी करने के लिए ये घोड़े का बच्चा चोरी किया है ना? अरे नहीं बाबा, ये बच्चा चोरी का माल नहीं, चोरी का इनाम है। इनाम है? तुमने फिर चोरी की है? हाँ की, लेकिन जिसकी चोरी की उसको उसका माल दे दिया। देखो कादिर, तुमने बच्चों की कसम खाकर मुझसे वादा किया था आइंदा चोरी नहीं करोगे। वादा तोड़ूं तो खुदा करे मेरे सांस टूट जाए। अल्लाह ना करे। ठीक है, तो फिर यही वादा
शाहबाज कलंदर के मजार पर चलकर करो।
पता नहीं किस आलिम ने इस पर जुल्म किया है। जरूर किसी बाहर के आदमी ने इसको पकड़ने की कोशिश की होगी। एक मैं तूफान, एक वो घोड़ा तूफान, तूफान पर तूफान बैठेगा तो हर तरफ तबाही मचा देगा। मैं हर सूरत में वो घोड़ा हासिल करना चाहता हूँ। सरदार, मैंने पता लगा लिया है, वो घोड़ा कादर खान का है, उसे उसने बड़े प्यार से पाला है। कहाँ रहता है वो? कौन हो तुम? जाबिर डाकू। मुझे तुम लोगों का घोड़ा पसंद आया। लगता है यही वो जालिम है जिसने हमारे बहादुर को जख्मी किया था। हाँ, और अब ये जालिम तुम्हारा ये घोड़ा छीनने आया है। कादिर, इनके मुंह न लगना, ये बहुत ज्यादा है और तुम अकेले। खुदा तो है मेरे साथ, तुम बच्चों को लेकर अंदर जाओ। चलो बच्चों, चलो चलो। सुनना है जाबिर डाकू, बाप के जीते जी अगर उसके बेटे को छीन सकते हो तो छीन के दिखाओ। जो चीज मुझे पसंद आ जाए मैं उसे छीन लेता हूं, चाहे उसके लिए किसी की जिंदगी छीनना पड़े। सिर्फ तुम्हारा घोड़ा ही नहीं, तुम्हारी जिंदगी भी छीनने आऊंगा। जेल की सुलाखों के पीछे जब चक्की पीसोगे तो तुम्हारे खून की गर्मी पसीना बनकर तुम्हारे बदन से निकल जाएगी। ले चलो इसे। आज मुझे अपनी और तुम्हारी दोस्ती पर फख्र महसूस हो रहा है कादिर खान। तुमने कोई मामूली काम नहीं किया, एक बहुत बड़े डाकू को जेल की सुलाखों के पीछे भेजा है। जेल की सुलाखों के पीछे जब चक्की पीसोगे तो तुम्हारे खून की गर्मी पसीना बनकर तुम्हारे बदन से निकल जाएगी। अस्सलामुअलैकुम ठाकुर भाई। मुबारक हो। खैर मुबारक, किस बात की? हुकूमत ने तुम्हारे लिए एक बहुत बड़े इनाम का ऐलान किया। कैसा इनाम डीएसपी भाई? कादिर खान ने एक बहुत बड़े डाकू को पकड़ने में पुलिस की मदद चुकी है। ये तो कुछ भी नहीं है ठाकुर साहब, मेरी जिंदगी का अब तो मिशन ही यही है कि मैं इस मुल्क को चोरों और डाकुओं से पाक कर दूं। लो मैं आ गया हूं, अब तुझसे तेरा बेटा बहादुर भी छीनूंगा और तेरी जिंदगी भी।
सलमा, सलमा, मालिक, मालिक, तुम बच्चों को लेकर चले जाओ, जल्दी करो, जाओ। मैं आपको बरसती गोलियों में छोड़कर नहीं जा सकता। मालिक, फिकर न करो, कसम मैं तुम्हें हुक्म देता हूँ, जाओ। मालिक, खून बह चुका है। इंसानों से ज्यादा तो जानवरों में हमदर्दी है। शराफत, अबे वो शराफत कहां मर गया? अगर ये इंजेक्शन ना है तो पेशेंट मर जाएगा। अबे घोड़े की तुम ये पर्ची कहां ले जा रहा है? तो ये इंजेक्शन पैसे भी लाए, जानवर को दवाई लेने तो भेज दिया, पैसे नहीं भेजे। और घोड़े की आलात घोड़ा है क्या डाकू? मेडिकल स्टोर उठा लाया। अब तेरा मालिक बच जाएगा। काश मैं तुम्हारे साथ बाकी सबको भी बचा लेता। किस घर का चिराग है? सदमा यकीनन बहुत बड़ा है कादर खान, और फिर बेटे अफसर के अलावा कोई भी बच्चा नहीं मिल सका। जिंदा होते तो मिलते ना। चादर की गोली ने मेरी आंखों के सामने मेरे बच्चों को समंदर में डुबो दिया। सब कुछ लुट गया ठाकुर, मेरा सब कुछ मिट गया। अब मेरी बारी है, मैं सब कुछ मिटा दूंगा, दुनिया की हर चीज जलाकर राख कर दूंगा। पहुंदी पहुंदी पहुंदी
अपनी शरारत, आंखों की अपनी ज़बान है। हर एक अदा की अपनी शरारत, आंखों की अपनी ज़बान है। धरती हूँ दिल में खिलती जवानी, शीशे का नाजुक मकान है। धमाका तूने किया था जाबिर डाकू, जिसमें बारूद के धुएं के सिवा बाकी कुछ नहीं बचा था। मेरा सारा गुलशन वीरान कर दिया था तुमने, लेकिन मैं जिंदा हूं, मैं बच गया हूं सिर्फ तुझे खत्म करने के लिए। लेकिन आज भी मौत तेरी होगी कादर खान। अच्छा काम किया है तुमने, इस जमीन पर से बहुत से गुनाहों का बोझ हटा दिया है, लेकिन कानून जज्बात को नहीं हालात को देखता है। मैं तुम्हें इन सब के कत्ल के जुर्म में गिरफ्तार करने पर मजबूर हूं। मुझे नहीं मालूम था कि मेरे ये हाथ एक दिन तुम्हें हथकड़ी भी पहनाएंगे। ये तुम्हारा फर्ज है ठाकुर, और अपना फर्ज निभाना तुम अच्छी तरह जानते हो, इसलिए एक फर्ज तुम्हें मैं भी सौंप रहा हूं। मेरा बेटा तुम्हारे पास है, उसे जेल में मिलवाने के लिए मेरे पास कभी न रहना। बहादुर बेटे, मैं वापस आता हूं या जेल ही में जिंदगी के दिन पूरे हो जाते हैं, मेरा इंतजार न करना। आज से तुम मेरी मोहब्बत से आजाद हो। बहादुर,
तुम्हारे घोड़े और तुम्हारी वजह से तमाम बच्चों को माँ बाप मिल गए हैं। बताओ बेटा, हम तुम्हारे लिए क्या कर सकते हैं? मुझे एक ऐसे चोर की तलाश है जिसने मेरे सारे रिश्तों को चुरा लिया है। तुम भी जाओ, अगर आइंदा किसी चोरी के इल्जाम में तुम्हारा नाम भी आया तो बंद कर दूंगा। सलाम माई बाप। मुझे एक ऐसे चोर की तलाश है जिसने सारे रिश्तों को चुरा लिया है। सुनो, तुम किसी चोर को ढूंढने की बात कर रहे थे? हाँ। चोर को ढूंढना है तो चोर बन जाओ। तुम कौन हो? मैं एक मामूली चोर हूं, लेकिन तुम्हें चोरों का बादशाह जरूर बना दूंगा। तुम्हें अख्तियार है, मेरे बेटे को जैसे चाहो संवारो, उसे जो चाहो बनाओ। मैंने उसे एक ऐसा पुलिस ऑफिसर बनाने का अहद किया है जिसका नाम जुर्म की मौत होगा। आखिर हमने कानून की आंखों में मिर्चें डाली थी ना। खोलो। बड़ा नाश था कानून को अपने महाफिजों पर। कानून की आंखें हमेशा खुली और बाजू तुम्हारी सोचों से ज्यादा लंबे होते हैं। जहां जुर्म होगा वहां वहां मैं हूंगा, मैं इंस्पेक्टर अफसर खान। जहां जहां इंस्पेक्टर अफसर खान होगा वहां वहां क्राइम रिपोर्टर बॉबी ठाकुर होगी। यहां भी पहुंच गई तुम। जुर्म खत्म करना तुम्हारी ड्यूटी है और जुर्म करने वालों और जुर्म मिटाने वालों की खबरें आवाम तक पहुंचाना हमारी ड्यूटी है। वैसे तुम्हारे लिए भी एक खबर है। वो क्या? वो मैं तुम्हें सुनाऊंगी नहीं, तुम खुद अखबार में पढ़ोगे या फिर एसपी साहब के मुंह से सुनोगे। तुम्हारी ट्रांसफर चूना मंडी के इलाके में कर दी गई है, इसलिए कि मुझे तुमसे बेहतर कोई और अफसर नजर नहीं आया। मुझे उम्मीद है अफसर खान कि तुम चूना मंडी में पैदा होने वाले जराइम को जड़ से उखाड़ फेंकोगे। इंस्पेक्टर, तुम्हारी ट्रांसफर की खबर मुझे एसपी साहब ने दी थी, क्योंकि क्राइम रिपोर्टर होने के साथ साथ मैं इनकी बेटी भी तो हूं। क्या मैं आपका बेटा नहीं हूं? तुम भी मेरे बेटे ही हो, लेकिन तुम्हारे रगों में खून एक ऐसे बाप का दौड़ रहा है जो तुम्हारे जवान होने के इंतजार में कहीं और तड़प रहा है। कादर खान, कैसे हो एसपी साहब? तुमने बेटे की तस्वीर मांगी थी ना, ये का हक अदा कर दिया है तुमने। तुम्हारा ये कर्ज मैं कैसे उतारूंगा? ये कर्ज नहीं, मेरी खुशनसीबी है कादिर खान कि मुझे एक ऐसे पुलिस ऑफिसर की परवरिश करने का मौका मिला जिस पर पूरा पुलिस डिपार्टमेंट फख्र करता है। वो जहां भी जाता है जुर्म और मुजरिम दोनों का खात्मा कर देता है और वहां अमन, प्यार और मोहब्बत के गीत गूंजने लगते हैं। आ,
छम 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 के नाने पैदा के लैला 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 लैला। कोई क्या जाने मेरे दिल में है क्या, 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 दिल में है क्या। छम 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 के नाने पैदा के लैला किताबी लैला। आंखें हैं तेरी गुलाबी लैला। चेहरा है तेरा किताबी लैला। ओ जाने जा ओ मेहरबान ओ गुल बदन रंगी अदा। लाखों में है एक तू दिल रुबा, 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 ए दिल रुबा। चम 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 के नाने पैदा के लैला पैदा के लैला। तू दिल नशी एक गजल है लैला। रूप तेरा खिलता कमल है लैला। अरे देखा नहीं तुझसा कहीं उसने जवां जाने वफा। सारे शहर में है चर्चा तेरा, चर्चा तेरा, चर्चा तेरा, चर्चा तेरा, चर्चा तेरा, चर्चा तेरा। छम 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 के नाने पैदा के लैला पैदा के लैला। हंगामा रुस्तम ने किया है। रुस्तम ने तो हमारा नाक में दम कर रखा है। रुस्तम लक्ष्मी तुम यहाँ? तुम्हारे लिए एक अहम खबर है। इस चुना मंडी के इलाके में एक नए इंस्पेक्टर को इंचार्ज बनाकर भेजा गया है। मेरे लिए कौन सी मुश्किल बात है? सुना है वो पहाड़ की तरह मजबूत और बिजली की तरह तेज है। रुस्तम पहाड़ को रेजा रेजा और बिजली को ठंडा करने की ताकत रखता है। वाकई तुम जीके की ताकत का निशान हो। ये सामान यहाँ से नहीं जा सकता। क्यों भाई?
इसलिए कि यहां पर जो चीज आ जाती है उस पर रुस्तम के नाम की मोहर लग जाती है। अरे ये पाकिस्तान है और यहाँ कानून की बालादस्ती है। बुजदिल होंगे वो लोग जो तुम जैसे बरसाती मेंढकों से डरते हो। एक गाने वाले के मुंह में इतनी गुस्ताख जबान। तुमने मुझे भाई कहा है, अब तुम्हारा ये भाई तुम पर जान कुर्बान कर देगा। आपकी वजह से हमारा सारा सामान बच गया, बस ये गिटार टूट गई। मत रो भाई, बाबा तुम्हें नया गिटार ले देंगे। जी, क्या कहा आपने? यही कि बाबा तुम्हें नया गिटार ले देंगे। मैं समझा नहीं। सॉरी भाई, तुम्हारा टूटा हुआ गिटार देखकर मेरी टूटी हुई यादों का सिलसिला छुड़ गया था। अगर तुम चाहो तो मैं तुम्हें नया गिटार दिला सकता हूँ। अरे आपका इतना एहसान काफी है कि आपने हमारी मदद की। भाई कितना साथ दिया मेरा उसने, जरूर किसी देर बाप का बेटा है वो। मैं आ सकती हूँ? चलिए, आप भी पहुंच गई। जी हाँ, और आते ही साथ ये खबर मौसूल हुई है कि इंस्पेक्टर अफसर खान ने चार संभालते ही बदमाशों की धुलाई डबल रेट पे शुरू कर दी है। ऐसे छोटे मोटे बदमाश पुलिस वालों के लिए क्या चीज है? रुस्तम देखने में छोटा मोटा बदमाश है, लेकिन हकीकत में वो जेके ग्रुप के लिए काम करता है जो शहर में मंशियात सप्लाई करता है। जेके ग्रुप से क्या मुराद है? ये एक मुनज्जम गैंग है और इस गैंग के चीफ का नाम जेके है जो अक्सर मुल्क से बाहर रहता है। लेकिन तुम ये सब खबरें कहाँ से हासिल कर लेती हो? बच्चू आम खाओ, गुटलियां गिनने बैठ गए तो मुजरिम हाथ से निकल बैठेंगे। बादशाह, बादशाह, छोड़ो का बादशाह। सलामत को मेरा सलाम सलाम। इस सेफ को खोलना चोरों के बादशाही का काम था। पकड़।
झूठ चोर खतरा है। बहादुर का आवाज अपन को खबरदार कर रहा है। खतरा नहीं बादशाह सलामत, बहुत बड़ा खतरा है। कौन है ये? नया इंस्पेक्टर अफसर खान, 10-10 किलो का मुक्का है उसका, चीते जैसी आंखें और शेर जैसा दिल। अब तो फंस गए बादशाह सलामत, फंस गए। कौन थे वो लोग? एक चोर, दूसरा चोर होगा बादशाह। साहब जिंदगी और मौत का सवाल है, जीप जल्दी से हटाएं, अपन को जाना है। मुझे दो आदमियों की तलाश है, एक चोर है और दूसरा चोरों का बादशाह। चोरों से अपन को क्या लेन देन साहब? जिस बिल्डिंग में चोरी हुई ये बग्गी उस बिल्डिंग के नीचे खड़ी थी, जिस वक्त चोर फरार हुए ये बग्गी वहां से गायब थी। हे माय बाप, अपन को माफ करो भाई, एक कुचवान को क्यों रोकते हैं आप? अपन का बाप बहुत बीमार है, अस्पताल में पड़ा है, मर जाएगा दवाई के बगैर। चल बे बहादुर, ठहरो, अभी क्या हो गया बाप? तुम बग्गी वाले हो, मैं पुलिस वाला हूं, ये तो हुए हमारे पेशे। वैसे तो हम मुसलमान हैं, भाई भाई हैं, इस रिश्ते के नाते मुझे भी तो बीमार की आयादत करनी होगी। बाबा, बाबर, तुम? बाबा, दवाई ले आया हूं बाबा, धंधा ठंडा था, दवाई लेने में देर हो गई बाबा। बाबा, ये अपन का इंस्पेक्टर साहब है, ये अपन को अपन का भाई समझ के आपको देखने आया। बड़ी मेहरबानी, बैठिए ना साहब। कहां रहते हो तुम लोग? साहब, अपन मच्छर कॉलोनी के पास एक छोटा सा बस्ती है, उधर रहता, सब जानते अपन को उधर। सिर्फ नाम याद रखना बाबा। याद रखूंगा, बहुत जल्द मुलाकात होगी। माल किधर है बादशाह? वो है नंबर 315 में। वाह बादशाह सलामत, वाह, ये सोच तो सिर्फ आपकी हो सकती है। एक बात समझ में नहीं आती कि आपके अब्बा हुजूर अस्पताल में मरीज बने हुए पहले से लेते थे क्या? आपने इंस्पेक्टर साहब से झूठ बोला था। इस रात भी मेरा बादशाह चोरी करने जाता है, मैं अस्पताल में झूठी बीमारी का बहाना करके दाखिल हो जाता हूँ। इस तरह एक बार नहीं 100 बार पुलिस मेरे चोर बादशाह पर हाथ डालते डालते रह गई। ये तुम्हारा हिस्सा और बाबा तुम्हारा हिस्सा, और ये बाल्टी हम तीनों की बाद में काम आएगी। रुक जा बहादुर, दशमल ले। बच्चों याशी शुरू। अरे छोटे चोर, ये है मेरे बादशाह की सल्तनत, वो सिर्फ इन्हीं के लिए चोरियां करता है और इन्हीं के लिए जीता है। ये लोग वो हैं जिनका इस दुनिया में कोई नहीं, ये बच्चे वो हैं जिन्हें माँ बाप ने पैदा करके फुटपाथ पर फेंक दिया, ये बूढ़े वो हैं जिनको औलाद ने बोझ समझकर अपने घरों से निकाल दिया। मेरे बादशाह का इस दुनिया में कोई नहीं, वो इन्हीं में अपने माँ बाप और बहन भाइयों की मोहब्बत को तलाश करता है। जाते भी अच्छा हूँ और गाते भी बहुत अच्छा हूँ। आपने मेरा गाना कब सुना? हाँ, चंद दिन पहले चूना मंडी के बाजार में तुम ही गा रहे थे ना? जी। तुम में एक बड़ा फनकार बनने की सलाहियतें मौजूद है, फुटपाथ पर गाना गाने और इस वीराने में स्पेनिश बजाने से कुछ नहीं मिलेगा तुम्हें। तुमने ब्लू स्टार होटल का नाम सुना? जी नहीं, बिल्कुल नया आया हूँ। अगर जिंदगी में कुछ बनने की ख्वाहिश है तो मुझसे मिलो, मेरा नाम रक्षी है।
ओके गुड बाय। वो जाली दवाइयां बनाते हैं। मैंने पुलिस में रिपोर्ट की लेकिन पुलिस ने भी सरमायेदारों का साथ दिया और अब मेरी इज्जत पर हमला किया गया। मैं जब तक वो फैक्ट्री बंद नहीं करवा देती चैन से नहीं बैठूंगी। शाबाश शाबाश, तुम अपन को एक बहादुर लड़की लगता है। क्या अपन तुमको बहन बोल सकता है? मेरी इज्जत बचाने वाला मेरा भाई ही हो सकता है। ए बाप, तो फिर रोता काय को है? अपन को उस फैक्ट्री का पता बताओ, वो फैक्ट्री हमेशा के लिए बंद हो जाएगा। बादशाह बादशाह चोरों का बादशाह। इंसानियत के दुश्मन, खाओ ये जाली दवाइयां, पियो ये जहर ताकि तुम्हें पता चले कि जिंदगी की कीमत क्या है। गिरफ्तार कर लो इसे। लगाओ अपन को हथकड़ी। तुम पुलिस वालों का जोर सिर्फ अपन गरीबों पे चलता है। इंस्पेक्टर साहब, ये रिपोर्ट झूठी है। बाबर ने तो वो काम किया है जो आज तक पुलिस भी नहीं कर सकी। आप बाबर की क्या लगती हैं? बज़ाहिर खून का रिश्ता तो नहीं लेकिन उसने मुझे बहन कहा है। आप सुकून से बैठिए, यहाँ किसी के साथ नाइंसाफी नहीं होगी। मैं कैसे मानूं? ये अमीर लोग पैसे के जोर पर अपने आप को बेगुनाह साबित कर चुके हैं। इन्होंने तो मेरी इज्जत पर भी हमला करवाया था। इंस्पेक्टर साहब, इसकी जुबान को रोकिए। ये शहर के मौजूद आदमियों पर कीचड़ उछाल रही है। जब्बार, बाबर को हवाला से बाहर निकालो और इन मौजूद आदमियों को हवालात में बंद कर दो। इंस्पेक्टर साहब, आप हमें किस सबूत के तहत गिरफ्तार कर रहे हैं? सबूत मैं देती हूँ। आपकी तारीफ। क्राइम रिपोर्टर ऑफ डेली आवाज, ये फैक्ट्री आपकी है ना? जी। तस्वीरों में जो दवाइयों पर लेबल नजर आ रहा है ये वही दवाइयाँ है ना? जी। लेकिन ये तस्वीरें आपने कहाँ से ली है? मैं इस फैक्ट्री में खुद गई थी। समझ आई मुझे ये तस्वीरें कहाँ से मिली? इंस्पेक्टर साहब, ये सब एक चाल है, मैं कोर्ट में चैलेंज करूंगा। यू मोस्ट वेलकम। इंस्पेक्टर साहब,
देखा हमारा कमाल, मान गए जनाब। ए बाप, अपन का बारी खत्म। चलो आराम के रख लो, चलो सारे मोहसिन शहरी बने फिरते हैं। शुक्र है साहब, आपने अपन को एक कला के बाद बेगुनाह माना। तुमसे एक मुलाकात पहले भी हो चुकी है। हाँ, वो आप अपन को चोरों का बादशाह का पीछा करते हुए। बात चोर पकड़ा नहीं पकड़ा? बहुत जल्दी पकड़ा जाएगा। परल थैंक यू, तुमने पुलिस की मदद की। आपके रवैये को देखकर बहुत खुशी हुई इंस्पेक्टर साहब, आप सचमुच मुझे मेरे भाई लगते हैं। तुम सचमुच मुझे अपना भाई समझो। शुक्रिया। सलाम साहब। ये कोचवान मुझे तो कुछ मशकूक सा लग रहा है। हाँ है तो मशकूक, लेकिन फिलहाल इसने अच्छा काम किया है। बाबा बाबा, मेरे इस भाई ने उस फैक्ट्री को तबाह कर दिया जहाँ इंसानों के लिए दवा नहीं जहर तैयार होता था। अब मैं मर भी जाऊं तो मेरे सीने पर यह बोझ नहीं रहेगा कि नीली अकेली है। बैठ जाओ बेटी, बैठ जाओ। नहीं बाबा नहीं, अपन चलता है, फिर कभी आएगा। कुछ माल रखो, डॉक्टर को दिखा देना। नहीं बेटा नहीं, रात दिन गधा गाड़ी चलाई है मैंने, ढेर सारे रुपए जमा किए हैं। जीते रहो बेटे, जीते रहो। क्या सोच रही हो बेटी? यही बाबा कि खुददारी भी क्या चीज है। पेट खाली है, तुम्हारी दवाई के लिए एक पाई नहीं। लेकिन बाबर भाई से पैसे ना लेकर जो खुशी आज हुई है उसने सब कुछ भुला दिया है बाबा। एक काम करो बेटा, ये गधा गाड़ी बेच दो, अब मैं ठीक नहीं हूंगा। ये गधा गाड़ी मैं चलाऊंगी। नहीं बेटा, मैंने तुझे इतनी मेहनत से इसलिए नहीं पढ़ाया कि तू गधा गाड़ी चलाए। सिर्फ इतनी इजाजत दे दो कि मैं गधा गाड़ियों की रेस में हिस्सा ले लूं। इस बार शहर के बहुत बड़े सेठ की बेटी इनाम देने आ रही है। बाकी प्रोग्राम सेक्रेटरी से तय हो जाएंगे। हम आराम करने नहीं, एंजॉय करने आए हैं। हमारी आउटिंग का इंतजाम किया जाए। ओके। हुआ है हमारे बंगले में आकर ले जाना, जीके पैलेस मेन रोड। बादशाह बादशाह चोरों का बादशाह। किसने किया ये सब? मां कसम अपन उसको भी बर्बाद कर देगा। निकल बाहर से इसकी औलाद,
साली शीशी के घर में बैठ के बाप की दौलत पे करती है। जिंदगी से सताए हुए मालूम होते हो जो बगैर इजाजत अंदर घुसाए हो। अपन को उस मगरूर लड़की का बताओ जो दौलत के घुमट में गरीब और बेबस इंसानों का नुकसान कराई है। जिंदा बचोगे तो उसका भी बता देंगे। बहुत ताकत है तेरे बाजू में। सिर्फ बाजू में ताकत ही नहीं, अपन के सीने में शेर माफिक दिल भी है। अभी कुछ देर बाद बगैर धुम का ये शेर भीगी बिल्ली बने मेरे पांव चाटेगा। बादशाह 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 चोरों का बादशाह। रुक जाओ, बहुत अच्छा लड़ते हो तुम। क्या मैं इस गुस्ताखी की वजह पूछ सकती हूँ? ये गुस्ताखी जवाब है उस जुल्म और तबाही का जो तुम उन बेगुनाह माजूर और गरीबों के घर में मचा कर आई हो। मेम साहब, दिल तो करता है कि तुम्हारे इस चमकीले घर को भी तहस नहस कर दो, लेकिन छोड़े इसलिए जा रहा हूं कि अपन में और तुम में क्या फर्क रह जाएगा। स्टॉप, अपना नाम तो बताते जाओ। अपन के नाम से तुमको क्या मतलब? हम तुम्हें अपना और तुम्हारा फर्क बताने तुम्हारी बस्ती में फिर आएंगे। अपन का नाम बाबर है। वो कच्चे घरों की बस्ती अपन का पूरा कायनात है और उधर के रहने वाले अपन का पूरा सरमाया है। ला 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 ला, ला। अरे वो छोटे चोर। हाँ। अबे क्या चक्कर चला रखा है? अरे चक्कर वक्कर कुछ भी नहीं मेरे यार, ये आवारा गधा है। सुबह सुबह मेरे पास आया और कहने लगा आज गधा गाड़ियों की रेस है, मुझे जोत लो तो रेस जीत जाऊंगा। अरे वो बात सुन, ये साला रेस वेस जो है ना, ये अपन का जरूरत नहीं है। लेकिन आपकी राय तो रेस जीतना चाहती है और उसमें हिस्सा भी लेना चाहती है। हमने सर पर कफन बांध लिया है। अबे ये बात है तो बस ठीक है। हम भी ये रेस देखेगा। धन्यवाद है। बादशाह, बादशाह, चोरों का बादशाह।
बादशाह। दिया ये रेस मैंने नहीं, मेरे भाई बाबर ने जीती है। ये हाथ इनके गले में डाल दे, ये तुम्हारा इनाम। अपन जानता है कि अपन का बहन बहुत खुददार है, ये इनाम अपन का बहन लेगा। तुम बहुत ग्रेट हो भैया। वो कहीं गई हुई कहां? बहुत जरूरी पैगाम है उनके लिए। वो उन लोगों की तरफ गई है जिनको दो रोज पहले नुकसान पहुंचा था उस कोचवान की बस्ती में। उस बस्ती को तो मैं मलिया मेट करने का ऑर्डर दे चुका हूं। ए, नीचे आओ, मुझे तुमसे कोई जरूरी बात करनी है। बोले ऊपर आ जाओ, अपन तुम्हारे बात से ज्यादा जरूरी काम कर रहा है। लाओ आओ। मैंने फैसला किया है, यहाँ जो नुकसान हुआ है वो मैं पूरा करूंगी। नुकसान तो अपन का पहले ही पूरा हो गया था मेम साहब, जो रह गया था तुमने पूरा कर लिया। बहुत बहुत शुक्रिया। ऐसे लोग मेरा आइडियल है जो दूसरों के लिए जीते हैं। तुम उनसे दोस्ती करोगे? गरीब और अमीर दोस्त नहीं हो सकते। हमें कैप्टन साहब का हुक्म है, ये बस्ती तबाह कर दो। कैप्टन की ऐसी की तैसी। अपने ये जांबाज तुमने भेजे हैं? जी, इन्हें ये काम करने दीजिए मेम साहब। अबे ओ किराए के टट्टुओं, बाबर की बसाई हुई बस्ती को और बस्ती के लोगों को तबाह करने वाला कोई माई का लाल अभी पैदा नहीं हुआ। आप जाइए मिस बीना, इसका ये मान आज टूट कर रहेगा। अगर इस बस्ती को कोई नुकसान पहुंचा तो याद रखो तुम भी सलामत नहीं रहोगे। लंदन से आपकी कॉल है कैप्टन। जेके साहब आपसे बात करेंगे। मुझे भी बात करनी है उनसे। कैप्टन ऑन द लाइन सर। ओके सर, मैं पहुंच जाऊंगा। बीना ठीक है, बाय सर। सबको अलर्ट कर दो, जेके साहब पाकिस्तान आ रहे हैं। अगर ये न्यूज सच है तो हमें भी जेके का इस्तकबाल करना चाहिए। इंस्पेक्टर साहब, मेरी न्यूज सच है और ये भी सच है कि अगर तुमने जेके की शख्सियत को बेनकाब करके उसके हाथों में हथकड़ी डाल ली तो तुम्हारे सीने पर गोल्ड मेडल होंगे। जेके की पहचान क्या है? उसकी सबसे बड़ी पहचान ब्लू स्टार होटल का मैनेजर कैप्टन है और उसके साथी हैं जो उसका इस्तकबाल करेंगे। बॉबी, ये पहला मौका है कि तुम्हारी खबर झूठी निकली है। मैं खुद हैरान हूँ। जेके को आज हर सूरत पाकिस्तान लैंड करना था। खरीद लो। ओके। हेलो बॉस। हेलो। ये मशहूर स्टेट सिंगर मिस्टर शेकी हैं। शहर के गली कूचों में अपनी आवाज का जादू जगाने वाले मुनफरिद फनकार। अगर इन्हें हमारे होटल के स्टेज पर गाने का मौका दिया जाए तो ये आवाज की दुनिया में तहलका मचा देंगे। तो क्या तुम ये गिटार बजा लेते हो? ये मेरे सुर का साथी है, इसके बिना मेरा संगीत अधूरा है। तब तो ये गिटार बड़े काम की चीज है। अच्छा ये बताओ कि तुम हमारे होटल के स्टेज पर क्यों गाना चाहते हो? मेरी माँ की ख्वाहिश है।
रखे हो मुझे शक सबसे बड़े स्विच पर गाता हुआ देखे। गुड, वेरी गुड। आज के बाद तुम स्ट्रीट सिंगर नहीं, हमारे होटल के स्टार सिंगर खेलाओगे। तुम्हारे रहने का बंदोबस्त यहां किया जाएगा। रक्षी, इसके कमरे का इंतजाम कर दो। थैंक यू वेरी मच। थैंक यू। ओके, तुम ऐसा करो, काउंटर पे मेरा इंतजार करो, मैं अभी कैप्टन से पूछकर आती हूँ कि तुम्हें कितने नंबर कमरा देना है। ओके ओके। मेरा नाम शेखी है। जेके साहब ने अपने होटल में मुझे गाने के लिए रखा है। पापा कहते हैं कि मेरा भाई भी आप ही की तरह गिटार को हर वक्त सीने से लगाए रखता था। मैं जब भी किसी के हाथ में गिटार देखती हूँ तो मुझे अपना भाई याद आ जाता है। क्या अब वो इस दुनिया में नहीं है? खुदा ना करे। आप मुझे को अपना भाई समझ लीजिए। पापा कहते हैं, यस, कैप्टन ने कहा है आपका कमरा नंबर 207 है। हेलो, ओह गुड कैप्टन। यस बॉस। हमारा सोना आ रहा है, टाइगर की ड्यूटी लगा दो, वो कंटेनर इस्तेमाल कर सकता है। अबे वो बहादुर, क्या हो गया? क्या बोलता है, भूख तो नहीं लगी? अबे ब्रो, अबे अरे बाप, पार्टनर तूने तो अंधेरे में रोशनी दिखा दी। बादशाह कंटेनर की तलाशी लेना चाहता हूं। शौक से तलाशी लीजिए सरकार। मेरे होते हुए पुलिस टाइगर को अपनी हिरासत में नहीं रख सकती। मैंने उसकी जमानत का बंदोबस्त कर लिया है। वैसे समझ में नहीं आता कि हमारी और पुलिस की आंखों में धूल झोंक कर चलते हुए कंटेनर से
लाखों का सोना गायब करने वाला चोर कौन था? ये कॉलोनी तुम लोगों की कॉलोनी है, ये सारे घर तुम्हारे बाप के घर हैं, जिसको जो पसंद आए जाके ले ले। अपना बादशाह बाबा, तुमने तो सबके घर बसा दिए, अपना घर कब बसाओगे? मैम साहब, घर बसाने वाली लकीर शायद अपन के हाथ में नहीं है। मेरी आंखों में देखो, तुम्हें ये लकीर नजर आ जाएगी। नहीं रे, अपन ने अपना फोटो शीशे में देखा है मेम साहब, जमीन और आसमान कभी एक नहीं हो सकता। अगर ये बात है मैं अपनी जान दे दूंगी। बिना क्या किया तुमने? अपन को सचमुच का छोड़कर चला गया। चल के पूरा
मिक हो गया, ओ एक मिक हो गया। कर ही लिया ना। अब उनसे किसी का दुख देखा नहीं जाता, साला वो दुख चाहे सच्चा हो या झूठा। तुम मुझको पसंद आए हो और मेरे डैडी भी तुम्हें पसंद करेंगे। हेलो डैड, आप कब आए? मुझे तो आए हुए यहाँ काफी दिन हो चुके हैं। क्या क्या क्या? अगर आपको मेरा जरा भी ख्याल होता तो इतने दिनों बाद घर नहीं आते। जाइए, मैं आपसे नहीं बोलती। बिना तुम मेरे उसूलों से अच्छी तरह वाकिफ हो। पहले बिजनेस, फिर रिश्ते नाते। एयरपोर्ट से सीधा मैं अपने होटल चला गया। कारोबारी मसरूफियात कुछ इतनी थी कि तुम्हें फोन करने का मौका न मिला। मैं तुमसे कुछ पूछने आया हूँ। डैडी, मैं भी आपसे कुछ कहना चाहती हूँ। तुम्हें जो कुछ भी कहना है बाद में कहो, पहले मेरे सवाल का जवाब दो। जी फरमाइए। मुझे कैप्टन की जबानी आज पता चला है कि तुम एक बच्चलन आवारा कोचवान से मिलने रोज जाती हो। सिर्फ हाँ या ना में जवाब दो। हाँ। तुम उससे प्यार भी करती हो? हाँ, मैं उससे प्यार करती हूँ। चुप हो जा। हम दोनों एक दूसरे से प्यार करते हैं। मैं आज आपसे यही कहना चाहती थी। खामोश। अगर मैंने तुम्हें माँ बनकर पाल पोस कर जवान न किया होता तो इन्हीं हाथों से तेरा गला घोंट देता। हेलो, हाँ मैं आ रहा हूँ। आइंदा अगर तुमने उस जलील कोचवान से मिलने की कोशिश की तो मैं वो बस्ती जला के राख कर दूंगा। ये मेरा आखिरी फैसला है। प्लीज। थैंक यू। हेलो। प्लीज सिट डाउन। थैंक यू। ये जानकर बड़ी खुशी हुई कि आप जर्नलिस्ट हैं। कहिए, मैं आपकी क्या खिदमत कर सकता हूँ? मैं आप पे फ्यूचर लिखना चाहती हूँ, क्या आप इंटरव्यू के लिए थोड़ा सा वक्त देंगे? मैं सस्ती शोहरत का कायल नहीं हूँ और न मैं इंटरव्यू देता हूँ। वैसे इसके अलावा कोई खिदमत हो तो? सिर्फ एक सवाल का जवाब दे दीजिए। बहुत जिद्दी मालूम होती हो। वो बदनाम स्मगलर टाइगर जिसकी आपने जमानत कराई है और वो? नहीं नहीं, वो मुजरिम नहीं, मेरी बेटी का पर्सनल बॉडीगार्ड है। गुड, चलिए फिर ऑटोग्राफी दे दे। सॉरी, माफी चाहती हूँ, मैंने आपका काफी वक्त जाया किया। थैंक यू। मेरा नहीं, तुमने अपना वक्त जाया किया। बॉबी, सॉरी मैं जरा लेट हो गया। आजकल तुम कुछ ज्यादा ही कानून के मुहाफिज बनते जा रहे हो। जरायम दिन ब दिन बढ़ते जा रहे हैं, लगता है कि जेके ग्रुप का ही काम है। हाँ, कल मैं जेके से मिली थी। किस सिलसिले में? इंटरव्यू के लिए, लेकिन उसने इंटरव्यू देने से इनकार कर दिया। बड़ी मुश्किल से उसके चंद तस्वीरें ही ले सकी हूँ। ये है जेके की तस्वीरें। जाबिर डाकू, 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 डाकू।
सर, मैं 100% यकीन से कह सकता हूं कि जेके ही जाबिर डाकू है। हो सकता है तुम सही कह रहे हो, लेकिन मौजूदा जेके को जाबिर डाकू साबित करना बहुत मुश्किल हो जाएगा। हमारे रिकॉर्ड में उसके फिंगरप्रिंट्स भी मौजूद नहीं है। वो प्लास्टिक सर्जरी भी तो करवा सकता है। वो कानून और मेरी फैमिली का मुजरिम है। मैं उसकी आंखों में आंखें जरूर डालूंगा। वेलकम इंस्पेक्टर, आओ कुछ खाओ। नो थैंक यू, तुम ही खाओ। शायद फिर तुम्हें दोबारा इस टेबल पर खाना खाने का मौका न मिले। मैं समझा नहीं। बहुत जल्द समझ जाओगे जाबिर डाकू। तुम गलत टेबल पर आ गए हो। मैं सही टेबल पर आकर बैठा हूं और कहने आया हूं कि मैंने तुम्हें पहचान लिया है। जिस दिन भी मुझे तुम्हारे खिलाफ सबूत मिल गया, उसी दिन अपनी पहचान कराऊंगा। गुड बाय। कासिम। यस सर। इंस्पेक्टर कुछ ज्यादा ही बोलने लगा है। टाइगर से कहो कि इसे हमेशा के लिए खामोश कर दे। और सुनो, थैंक यू वेरी मच। यू वेलकम। हेलो स्ट्रीट सिंगर। हेलो इंस्पेक्टर साहब, लगता है आजकल लंबे लोट कमा रहा हो। अरे आपकी दुआ से मैं इस होटल का स्टेज सिंगर हो गया हूं। तुम दोनों गलत जगह पर आ गए हो। इंस्पेक्टर, मैंने कहा था ना, बहुत से निशान लेकर जा रहा हूं, भूलूंगा नहीं। रस्सी जल गई लेकिन बल नहीं गया। अब यही रस्सी तेरे लिए मौत का फंदा बन जाएगी। खबर मिली है यहां पर हमला हुआ है। हमला मेरे इस नालायक आदमी ने किया था, जिसकी इस बेचारे को इतनी बड़ी सजा मिली। मैं समझा नहीं। ऑफिसर, इंस्पेक्टर एक केस के सिलसिले में मरहूम से 20,000 रुपए की रिश्वत मांग रहा था। यह बेचारा 10,000 देना चाहता था। 20,000 रुपए की खातिर इंस्पेक्टर ने इस गरीब की जान ले ली। सबूत के तौर पर इंस्पेक्टर के हाथ में पिस्तौल, जिसकी गोली से मेरा यह आदमी मरा है। ये रहे रिश्वत के वो 10,000 रुपए। बहुत अच्छा जाल फैलाया है तुमने जेके। इंस्पेक्टर साहब, आप तो जानते हैं ना कि कानून सिर्फ सबूत देखता है। खुलूस और दयानतदारी के साथ फर्ज की अदायगी तलवार की धार पर चलने के बराबर होती है। अपने रिश्ते की वजह से तुम्हें बेगुनाह साबित करना मेरे लिए बहुत मुश्किल हो जाएगा। आपकी बात सुनकर मुझे यह इत्मीनान जरूर हुआ है सर कि कम से कम आप मुझे बेगुनाह समझते हैं। हाँ। और मेरा ईमान है कि जीत हमेशा सच की होती है। एसपी साहब, अब सर खान को बेगुनाह मैं साबित करूंगी। हेलो। हेलो, मैं रीटा बोल रही हूँ। मुझे डेविड हार्पर ने कोपेनहेगन से भेजा है। न मैं किसी रीटा को जानता हूँ और न कोपेनहेगन में रहने वाले डेविड हार्पर को। नहीं, बहुत से डायमंड लेकर आई हूँ, मुझे सफेद सोना चाहिए। तुमने गलत जगह फोन किया है। एनीवे, टुनाइट आई एम कमिंग टू योर होटल। गोल्डन हेयर, व्हाइट ड्रेस मेरी निशानी होगी। अगर यकीन आ जाए तो रब्ता कर लेना, वरना कल मैं कोई और पार्टी ढूंढ लूंगी। रुस्तम, शेखी से को आज वो परफॉर्मेंस दे, हम खुद देखेंगे ये रीटा है कौन। डिस्को।
नाम है ये, पैगाम है ये। शाम है ये, तेरे नाम है ये, पैगाम है ये। रहे तन में गीतों की शाम है ये, तेरे नाम है ये, पैगाम है ये। लिवाए 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 गीतों की शाम है ये, तेरे नाम है ये, पैगाम है ये। शम्मा जला ले, शम्मा जला ले, शम्मा जला ले, शम्मा जला ले। आ भी जा बाहों में, आ भी जा बाहों में, सुन धड़कनों की जुबान। गीतों की शाम है ये, तेरे नाम है ये, पैगाम है ये। रुस्तम, यस बॉस, इस हसीना को देख रहे हो ना? इसने मुझे रीटा के नाम से फोन किया था। ये हीरों के बदले सफेद सोना चाहती है। तुम इसे परखो, अगर असली हुई तो मेरे पास ले आना, वरना इसे खत्म कर देना। ओके बॉस। कैप्टन। यस बॉस। तुम इन दोनों पर नजर रखना। हेलो। हेलो। तुम कोपेनहेगन से कब आई? लिसन, ज्यादा फ्री होने का कोशिश मत करो। ये बताओ तुम कौन है? व्हाइट गोल्ड का सौदागर और हीरो का खरीदार। बिजनेस की बात करना चाहती हो तो ये जगह मौजू नहीं। चलो कहीं और चलते हैं। चुप क्यों हो? डरती हो क्या? अगर डरते तो यहाँ आते ही क्यों? अंगारों से खेलना हमारा फितरत है। चलो लेट्स गो। कमरा पसंद आया? काला झंडा के लिए ये जगह बुरा नहीं। धंधा तो काला करती हो, लेकिन खुद कितनी सफेद और खूबसूरत हो। जल्दबाजी में माय डियर बाजी उलट जाता है।
लेकिन ये बाजी नहीं उल्टेगी। ओह क्राइम रिपोर्टर बॉबी, मुझे तुम्हारे बहरों पर पहले ही शक था। और अब इस शक को यकीन में बदल लो। एक कदम भी आगे बढ़ाया तो इस पिस्तौल की एक ही गोली तुम्हारा काम तमाम कर देगी। जागती हुई आंखों से ख्वाब देखना बुरी बात है। रुस्तम की दिलेरी में गोलियों और बमों की गूंज का बड़ा हाथ है। ये राज तुम तो क्या, तुम्हारा बाप भी मुझसे नहीं उगलवा सकता। अब ये राज तुझसे मेरा बाप ही उगलाएगा। चल लुट। अगर रुस्तम पुलिस के हाथों में चला गया तो हम सब मारे जाएंगे। लगाई हुई थी और तुम ही ने मेरी जिंदगी छीन ली। मरने से पहले एक नेक काम करना चाहता हूं बॉबी, जल्दी से मुझे पुलिस हेडक्वार्टर ले चलो। मैं बताना चाहता हूं कि टाइगर का कातिल अफसर खान नहीं मैं हूं। रुस्तम है क्या बॉबी? ठीक कहती है स्पिसा, टाइगर का कातिल मैं हूं। मैं तुम्हारी हिम्मत और जवानमर्दी की दाद देता हूं। मैंने तुमसे कहा था अफसर खान कि जीत हमेशा सच की होती है। Now keep it up. Thank you, sir. चुपचाप मेरे इशारों पे चलते रहो वरना इस भरपूर जवानी में अल्लाह को प्यारे हो जाओ। कौन हो तुम? लेडी निंजा और तुम्हारी मौत। तुम चाहते क्या हो? तुम्हें अपने इशारों पे नचाना। तुम किसके इशारों पर नाचती हो? ब्लू क्रेड, ये तुम्हें आगे चलकर पता चलेगा। ये तुम अपनी बेसुरी हंसी बंद करो। पीछे मुड़कर मत देखना वरना तेरा खौफनाक अंजाम होगा। ये पिस्तौल कोई फिल्मी या नकली पिस्तौल नहीं है। इसकी सिर्फ एक गोली तुम्हारे चौड़े और गुदास सीने में बड़ा सा सुराख कर सकती है। चलते जाओ, शाबाश। बहुत अच्छे बच्चे हो। ओए नौचर मलंगानू, रुक जाओ। लोग अपने दुश्मनों को ऐसी जगह लाकर मारते हैं जहां पानी ना हो, लेकिन मैं तुम्हें ऐसी जगह लाई हूं जहां पानी ही पानी है। चुपचाप मेरे साथ नीचे उतरो। उतर बे। मरने से पहले तुम्हारी अगर कोई आखिरी ख्वाहिश हो तो इस
लेडी निंजा को बता दो। अगर तुम मेरी आखिरी ख्वाहिश पूरी करना चाहती हो तो मुझे अपनी ये वर्दी उतारने दो। By the way, what do you mean? मैं अपनी इस पाक वर्दी को तुम जैसी जलील लेडी निंजा की गोली से दागदार करना नहीं चाहता। चल चल चल। मैं इसी मौके की तलाश में था लेडी निंजा, अब अपने रुखे जेबा से जरा पर्दा तो हटाओ। भाभी तुम ये क्या मजाक है? तुम जिस तरह मेरे काबू में नहीं आते थे ना, तो मैंने दिल के हाथों मजबूर होकर ये तरीका इख्तियार किया। मगर ये भी नाकाम रहा। कन्नी चुमके ते पैरा विच लच्छियां, कन्नी चुमके कन्नी चुमके, कन्नी चुमके ते पैरों विच लच्छियां, तेरे प्यार विच डाडी वे में फसियां ते जगत दुहाइयां मच्छियां, जगत दुहाइयां मच्छियां। हो कन्नी चुमके को बताने जा रहा हूं कि उसकी मौत के फरिश्ते को
फिर से वर्दी मिल गई है। तुम? हाँ मैं, इंस्पेक्टर अफसर खान। दोबारा बहाल होने की मुबारक हो तुम्हें। और तुम्हारे लिए बुरी खबर यह है जके, कि मौत का फरिश्ता तुम्हारे सर पर फिर रन खड़ा हुआ है। अगर तुम बिना इजाजत अपनी वर्दी का रोब डालने चले आए हो तो वापस लौट जाओ इंस्पेक्टर। ये जेके का 5-स्टार होटल है, कोई नाजायज शराब काटा नहीं। मैं सिर्फ तुम्हें इतना बताने आया हूं जेके, कि तुम अपनी दौलत और असर रसूख से अब तक अपने जरायम पर पर्दा डालते आए हो। अब तुम्हारे दिन पूरे हो चुके हैं जेके, मैं तुम्हें बेनकाब करके दुनिया को तुम्हारा असली रूप दिखाऊंगा। इंस्पेक्टर, तुम मुझे जेके के सिवा कुछ और साबित नहीं कर सकोगे। और एक बात कान खोलकर सुन लो, मेरा माल आज भी जा रहा है, तुम उसे रोकना भी चाहोगे तो नहीं रोक सकोगे। हेलो शेके। हेलो जेके, तुम पर कुछ ज्यादा ही मेहरबान है, इसीलिए तुमको अपने फन के जौहर दिखाने के लिए यूरोप भेज रहा है। मेरी भी यही आरज़ू थी जो आज पूरी हो रही है। बस दुआ कीजिएगा कि मैं कामयाब लौटूं। कामयाबी लौटोगे। लो ये गिटार रख लो। लेकिन गिटार तो मेरे पास है। इसे भी मेरी तरफ से तोहफा समझकर कबूल कर लो। अच्छा शुक्रिया। शेखी, कैप्टन से पता चला कि तुम लंदन जा रहे हो? हाँ, और इंशाल्लाह बहुत जल्द शोहरत की बुलंदियों पर पहुंच जाऊंगा। बुलंद परवाजी के ये ख्वाब तुम्हें पस्ती की तरफ भी ले जा सकते हैं शेखी। लगता है मोहब्बत की खुदगर्जी ने तुम्हें अंधा कर दिया है। मैं पहले अंधी थी मगर अब मेरी आंखें खुल गई हैं। ये गिटार? ये गिटार मैंने शेखी को तोहफे में दी है, समझी? चलो शेखी, कहीं तुम्हारी फ्लाइट ही मिस ना हो जाए। इंस्पेक्टर साहब, आप यहां कैसे? हमें इतना मिली है कि इस रोड से आज हेरोइन स्मगल हो रही है। भला एक फनकार का स्मगलरों से क्या वास्ता हो सकता है? बहुत दिन से ख्वाहिश थी कि यूरोप की सरजमीन पर अपना फन पेश कर सकूं, और आज वो दिन आ गया है। यही है मेरा कुल सरमाया, लीजिए चेक कीजिए। किसी के चेहरे पे तो नहीं लिखा होता कि वो क्या है। ओके, गाड़ी भी ओके है सर। जाइए जनाब, आप अपना शौक पूरा कीजिए। एक बार भाई कहा है तो मेरी दुआएं आपके साथ हैं। शुक्रिया। कहीं स्मगलर हाथ से निकल तो नहीं गए? आप मशहूर स्टेज सिंगर मिस्टर शेखी हैं ना? जी हाँ। जाइए जनाब। थैंक यू वेरी मच। इट्स ओके। एक्सक्यूज मी, ये गिटार दिखाएंगे आप? बेटे शेखी, बेटे शेखी, शेखी मेरे लाल, ही तुझे क्या हो गया है? तू मुझे शहर के सबसे बड़े स्टेज पर गाता हुआ देखने चाहती थी ना, तो देख, ये है वो स्टेज। तुम जानती हो मां, जिन्हें हम माशरे के अंगदाता और गॉडफादर समझते हैं, वो हम जैसे फनकारों को दौलत का लालच देकर अपने जाल में फंसते हैं, और फिर दुनिया के स्टेज पर कठपुतली की तरह नचाकर चोर डाकू कातिल और स्मगलर बना देते हैं। मैं तुम्हारे ममता की कसम खाता हूं मां, मैं उन धर्म महात्माओं को जरूर मंजराम पर लाऊंगा जिनकी गोद में जराइम परवान चढ़ते हैं। मत रो मां, मत रो, मैंने कोई गुनाह नहीं किया। जब मैं बेकसूर हूं तो दुनिया की कोई भी अदालत मुझे मुजरिम साबित नहीं कर सकती। जाओ मां, जाओ जाओ। जुर्म नहीं किया तो तुम्हारी मां और दूसरे लोगों को आप
मैं तुम्हारी मदद करने आया हूं मेरे भाई। मुझे सिर्फ इतना बता दो कि तुम किसके इशारों पर नाच रहे हो। नाचना गाना तो हमारा काम है, भला मुझे कौन नचाएगा? तुम झूठ बोल रहे हो। मैं सच बोल रहा हूं। मैं मुजरिम हूं, मैं इकबाल जुर्म करता हूं। मुझे सिर्फ उसका नाम बताओ, बताओ वो कौन है। आपका फोन है सर। मैं मजबूर हूं मेरे भाई। तुमने तो कोशिश बहुत की इंस्पेक्टर कि वो बच्चा मेरा नाम ले दे, लेकिन तुम्हें नाकामी हुई। ये नाकामी कब तक होगी मिस्टर जेके? एक दिन फांसी का फंदा डालकर रहूंगा तुम्हारे गले में। शेखी ने जुर्म का इकबाल तो कर लिया है, लेकिन उसकी जबान किसी वक्त भी खुल सकती है। उसकी जबान जेल में हमेशा के लिए बंद कर दो। भाई, अरे अरे तेरी कनपट्टी से तो खून बह रहा है। माशाल्लाह मेरे बेटे का देखो क्या कुदरती चांद है। मेरा बेटा है भी तो चांद जैसा, बस अल्लाह इसे जमाने की ग्रहण से बचाए। आमीन। ये निशान तेरे जिस्म पर कब से है? बचपन से। अरे तू तो मेरा शेखी है। हाँ। आपको मेरा नाम कैसे पता लगा? अरे तू नाम की बात करता है। अरे तू तो मेरा बेटा है, मैं तेरा बाप हूं। वो बदनसीब बाप जिसकी आंखों के सामने उसके हंसते बसते गुलशन को वीरान कर दिया गया, तू भी उस गुलशन का एक फूल है बेटे। अपने बाप को पहचान मेरे बच्चे। बाबा बाबा। अच्छा बेटे ये तो बता, ये बदमाश तुझे क्यों मारना चाहते थे? इन गुंडों का बॉस जेके मेरे पीछे इसलिए पड़ा है कि कहीं मैं उसके काले करतूतों में राज फाश न कर दूं। जेके? ये जेके कौन है बेटे? कल मुझसे मुलाकात करने आ रहा है। शाबाश, वेल डन। अगर तुमने इसी तरह अपनी जबान पर ताला लगाए रखा तो इनाम भी पाओगे और दौलत भी, तुम्हारी फैमिली भी सुखी रहेगी। तुमने मेरे साथ फ्रॉड किया है जेके, बहुत बड़ा धोखा दिया है मुझे। नहीं बिल्कुल नहीं, एहसान किया है तुम पर, फुटपाथ से उठाकर इज्जत और शोहरत की बुलंदियों तक पहुंचाया है तुम्हें। अपने फन और अपनी आवाज की मासूमियत से जो इज्जत कमाई थी मैंने, उसे तुम्हारे गुनाहों की स्याही ने दाग दाग कर दिया है। अगर ये जबान बंद रहेगी तो जेके तुम्हारी खोई हुई इज्जत बहाल कर सकता है। अपनों की जिंदगी का ख्याल ना होता जेके तो कभी खामोश ना रहता। ये तो जिंदा है, मैं तो समझा था मर गया था।
यही तो है जिसने हमसे हमारा सब कुछ छीन लिया। लेकिन फिक्र की कोई बात नहीं, मैं तुम्हारी बेगुनाही का सबूत भी लाऊंगा। भाग कर आए हो कादर खान? हाँ, इसलिए कि मेरा मुजरिम जाबिर खान भी जिंदा है। अब तुम्हारा कानून और मेरे बेटे की मोहब्बत, कोई भी मुझे मेरे इंतकाम के रास्ते से नहीं रोक सकता। देखो कादर खान, तुम्हारा दुख मुझसे पोशीदा नहीं है, लेकिन जाबिर खान को उसके गुनाहों की सजा कानून देगा। कानून और जुर्म की आंख में चौली बड़ा लंबा खेल है इस पी साहब। मेरी रगों में बरसों से खोलता हुआ लहू अब एक पल भी इंतजार नहीं कर सकता। मैं यहां सिर्फ इतना कहने के लिए आया था एसपी साहब कि मेरे बेटे को कहीं और ट्रांसफर कर दीजिए। मैं नहीं चाहता कि बाप और बेटा टकरा जाए। किससे बातें कर रही हो? कासिम, मालिक कासिम। सब तकदीर के चक्कर है मालिक, एक हंसता बसता घर। बस कासिम बस, मैं भूला नहीं हूं। अपनी बर्बादी का एक एक लम्हा याद है मुझे। मैंने अपना नमक हलाल करने की जान तोड़ कोशिश की मालिक, लेकिन सिवाय नीली बेटी के किसी और को नहीं बचा सका। यही आपकी लख्त जिगर नीली है। बाबा। बहुत तड़पा हूं मैं आप लोगों के लिए बेटी, बहुत तड़पा। परसों बाद बाप की शक्ल देखी है बाबा, अब मुझे अकेला छोड़ के मत जाइएगा। जाना पड़ेगा, थोड़े अरसे के लिए जाऊंगा बेटी और अपना फर्ज पूरा करके वापस आऊंगा। हाँ, और मैं तुम्हें तुम्हारे भाई अफसर खान से भी मिलाऊंगा। मेरा भाई कहाँ है वो? शायद पुलिस आ गई है। अच्छा बेटी, मैं फिर आऊंगा। पापा। मालिक यहाँ कोई शख्स नहीं आया, वो कानून का मुजरिम है। आपके मुजरिम का भला इस घर में क्या काम इंस्पेक्टर साहब? यहाँ तो सिर्फ मेरा बाप आया था। तुम्हारा बाप मेरे भी बाप की जगह है। अच्छा मैं चलता हूँ, वो मुजरिम हाथ से निकलना चाहे। या अल्लाह, मेरे बाप का साया हमेशा मेरे सर पे रखना। अपन के सर पर अगर माँ बाप का साया होता तो अपन इस तरह शहर की गली कूचों में लावारिसों की तरह पल बढ़कर जवान नहीं होता। तुम्हारे दौलतमंद बाप की तरह अपन का भी एक बंगला होता और अपन को कोई माई का लाल आवारा और कोचवान कहकर नफरत करने की जरूरत न करता। अपन साला रोज यहां आता था, पागलों की तरह तुम्हारा इंतजार करता था, मगर तुम नहीं आया। अपन का भरी दुनिया में बहादुर के सिवा और कोई नहीं है। मैंने तुमसे प्यार किया है बाबर। ये साला सब झूठ है। मैं मजबूर थी बाबर, डैडी ने धमकी दी है कि मैं अगर तुम्हें
यहाँ मिलने आई तो वो तुम्हें जिंदा नहीं छोड़ेंगे। हालात का यही तकाजा है कि हम एक दूसरे से दूर रहें। ये साला दौलत भी क्या चीज है। हम तुम्हें लेने आए हैं। शराफत से जाना पसंद करोगे या? अपन कोई चाबी वाला खिलौना नहीं कि चाबी दिया और चल पड़ा। अपन बादशाह है तुम जैसे चोरों का। इससे पहले कि तुम्हारी बादशाहत खाक में मिल जाए, आंखें बंद करके हमारे साथ चल पड़ो। अबे ओ किराए के टट्टू, इतनी आसानी से तो अपन को मौत का फरिश्ता भी नहीं ले जा सकता। लेकिन हम तुम्हें जिंदा ही लेकर जाएंगे। से बड़े बड़े पहाड़ भी कांप जाते हैं। मेरी बेटी बाबा, शायद तुझे मालूम नहीं कि जिस छत के नीचे तू खड़ी है उसका मालिक जेके साहब बहुत अच्छे हैं। किस्मत ने हमारे साथ बड़ा भयानक मजाक किया है बेटी। जिसकी खातिर मैं कानून की जंजीरों को तोड़ आया हूं, उसी के पास मेरी बेटी। नहीं नहीं नहीं, इससे पहले कि ये लोग मेरी गैरत का मजाक उड़ाएं, तो यहां से चली जा, चली जा अब भी और इसी वक्त जा। तेरा बाप अभी मरा नहीं, जिंदा है। ये चंद बंदूकों वाले तो क्या, आज सारा जहान भी सामने आ जाए तो तुझे मेरे हाथों से नहीं बचा सकता। सामने आ बुज़दिल। पहचाना मुझे कादर खान? मैं अपने मासूम बच्चों पर बरसाई गई गोलियों और अपनी बीवी के कातिल को कैसे भूल सकता हूं, जाबर डाकू। हेलो, इस पर गोलियां खर्च करना फजूल है। यह मेरे इंतकाम की एक छोटी सी झलक देखेगा तो अपनी बेबसी पर अपना सर दीवारों से टकरा टकरा कर खुद मर जाएगा। वो देखो बाबा, बाबा मुझे बचा लो बाबा। कमीने बुज़दिल, मासूम जान पर जुल्म करता है। कोचवान को ले आया हूं बॉस। गुड, ले जाओ इन दोनों को, अलग अलग बंद कर दो। तुम जाओ, मैं यहां बैठकर डैडी का इंतजार करूंगी। ओके।
कादर खान से मेरी दुश्मनी उस वक्त की है जब मैं जाबिर डाकू था। इंसान की जितनी चादर उतने ही पांव फैलाने चाहिए। चोरी के साथ साथ तुम लोगों की बेटियों को भी और गलाते हो। जी तो चाहता है तुम्हें जमीन में जिंदा गाड़ दूं। तेरी खुशकिस्मती और अपन की बदकिस्मती है कि अपन बना हुआ है, नहीं तो अब तक तुझे मट्टी का ढेर कर चुका होता। जाबिर डाकू कौन हो तुम? कादिर खान को जानते हो? अपन उसी बहादुर बाप का बेटा है। बहुत जुल्म किए तूने जेके, लेकिन अब तू अपन के इंतकाम से बच नहीं सकेगा। तो तुम हो कादिर खान के बेटे? डैडी बाबर को छोड़ दे। बीना तुम यहाँ क्यों आई हो? आपको तो डैडी कहते हुए भी मुझे शर्म आती है। ले जाओ इस गुस्ताख को, इसे भी ले जाओ। बाप बेटे दोनों हमारे कब्जे में हैं। हम दोनों से अलग अलग मिलेंगे। बहुत प्यार है तुम्हें अपनी बेटी से। वो कौन सा बाप है जो अपनी औलाद के लिए नहीं तड़पता? फिर एक काम करो, मेरे लिए हुकूमत के कुछ अहम राज चोरी करो, मैं उसे दुश्मन मुल्क के हाथ बेचूंगा, मुझे करोड़ रुपए मिल जाएंगे और तुम्हें तुम्हारी बेटी। जब अपनी धरती मां के बराबर होती है और मां का सौदा बेगैरत किया करते हैं। तो फिर ठीक है, तुमने तो मर ही जाना है कादिर खान, लेकिन तुम्हारे साथ साथ न तुम्हारी बेटी रहेगी और न उसकी इज्जत। हां बोलो कादिर खान। हां बेटी की इज्जत की खातिर मैं अपनी जिंदगी दांव पर लगा दूंगा। मैं ये चोरी करूंगा। कैसे हो चोरों के बादशाह? तुम अपनी फिक्र करो जाबिर खान। सुना है तुम उन लोगों के लिए चोरी करते हो जिनसे दुनिया नफरत करती है। अपने लिए तो तुम जैसे कुत्ते भी जीते हैं, लेकिन अपन के लिए, अपन का मां, अपन का बाप, अपन का बहन भाई सब कुछ वही है। अगर उनकी जिंदगी चाहते हो तो हुकूमत के राज चोरी करके लाओ, मैं उसे दुश्मन मुल्क बेचूंगा। देखे तुम एक घटिया इंसान ही नहीं, इस मुल्क के गद्दार भी हो। तुम अपनी रियाय की फिक्र करो चोरों के बादशाह, मेरे एक ही इशारे पर तुम्हारी रियाय खत्म हो सकती है। जेके अपन तुमको ऐसा नहीं करने देगा। नहीं करूंगा, लेकिन शर्त वही है, तुम्हें मंजूर है? अपन को मंजूर है। एक तीर से दो निशाने, वो दोनों चोरों के बादशाह हैं। हुकूमत के राज चोरी करने के लिए बाप और बेटा टकराएंगे, एक वहां खत्म हो जाएगा, एक हम खत्म कर देंगे। न रहेगा बांस, न बजेगी बांसुरी।
वरना जिंदगी से हाथ धो बैठोगे। छी छी छी। अरे भाई, छोटे मुंह से ये बड़ी बड़ी बातें अच्छी नहीं लगती। लाओ ये फाइल अपन को दे दो। लगता है तुम्हें अपनी जिंदगी से नफरत हो गई है। ये फाइल ले जाने के लिए मुझे अगर तेरी लाश से भी गुजरना पड़ा तो गुजर जाऊंगा। अरे बाप, लगता है ये घी सीधी उंगली से निकलने का नहीं है क्या? देखो बड़े साहब, ये फाइल अपन के लिए सैकड़ों जिंदगियों की जमानत है। ये फाइल मुझे मेरी जिंदगी से भी ज्यादा अजीज है। फिर खुद ही फैसला कर लो कि ये फाइल दोगे या मरना चाहोगे। अपनी जिंदगी की फिक्र होती तो ये खतरनाक काम करता ही क्यों? इस फाइल के बदले मुझे मुझे अपन को चोर बोलता है तू चुप खड़ा हुआ है? तू खुद बता, तू अपन के पास अपन के बाप की निशानी है, बोल। अगर तू बाबर है तो फिर मैं ही तेरा वो बाप हूं जो तेरी ख्वाहिश पर ये घोड़ा लाया था। बाबा, मेरी बच्ची। देखो बेटा, मैं अपने वतन का गद्दार नहीं हूं। ये फाइल मैंने इसलिए चुराई है कि इसकी जगह नकली कागजात देकर मैं तेरी मासूम और गुड़िया जैसी बहन को आजाद करा सकूं। बहन? किसके कब्जे में है वो? जाबिर डाकू के, जो आजकल जेके बना हुआ है। जाबिर डाकू? जेके, अपन तुझे कुत्ते की मौत मारेगा। क्या पक्के हो? जो मैं कहता हूं वही करो। उन दोनों बाप बेटे में से जो भी जिंदा बचेगा मेरी बताई हुई पहाड़ी पर ही आएगा। तैयारी कर लो। तुम मेरे खानदान की बर्बादी के जिम्मेदारी नहीं, मेरे वतन के गद्दार भी हो। फांसी का फंदा अब तुम्हारा मुकद्दर बन चुका है। जा बेटा, गो खबरदार, कोई भी चालाकी तुम सबको मौत का रास्ता दिखा सकती है। चलो। तुमने हमेशा जोश से काम लिया है, होश में रहकर मेरी बात गौर से सुनो। इस ब्रीफकेस में पूरे 10 लाख रुपए हैं, ले लो। जेके, शायद तुम ये भूल रहे हो कि मैं एक सिपाही हूं। अपने वतन की खातिर मर तो सकता हूं लेकिन बिक नहीं सकता। कमीने, मैंने तुम्हें जिंदा रहने के बहुत मौके दिए लेकिन जब तुम मरना ही चाहते हो तो फिर मरो। इसे भी ले चलो। फाइल मिलते ही करोड़ों के औराज लेकर हम ये मुल्क हमेशा के लिए छोड़ जाएंगे। किसी को कानों कान खबर नहीं होगी। आखिर तुम कौन हो जो मुझे हमेशा ऐसी खबरें देती हो? मेरा नाम रक्षी है, मैं भी जेके ग्रुप के लिए काम करती थी। इन जालिमों ने मुझसे मेरा शहकी छीन लिया। तुम्हारे लिए खुशखबरी है, मेरे डैडी ने इंस्पेक्टर अफसर खान के कहने पर शेखी की जमानत करा दी है।
ओह थैंक यू। लेकिन उस जालिम ने इंस्पेक्टर अफसर खान को नहीं। तुम्हारे बाप को सर के बल चलकर भी आना पड़ा तो वो जरूर आएगा। जाबर! पापा! फाइल में ले आया हूँ। खुश आमदीद कादर खान, खुश आमदीद। लाओ जल्दी से फाइल मेरे हवाले कर दो। पहले मेरी बेटी को आजाद करो। खोलो इसे। पापा! रुक जाओ। पहले ये फाइल। पहले मेरी बेटी। तुम्हारे लिए तुम्हारी बेटी कीमती है और मेरे लिए ये फाइल। जो जेके सारी दुनिया को बेवकूफ बनाता आया, तुम उसी को बेवकूफ बनाने चल पड़े। ये फाइल नकली है लेकिन ये असली है। अपने वफादार कुत्तों से कहो कि होशियारी न दिखाएं और ना तेरी गंदी रूह परवाज कर जाएगी। मेरी या तेरे बेटे की? क्या मतलब? अफसर खान, मेरा भाई कादर खान। अगर तू सांप है तो मैं दो मुंह वाला सांप हूं। एक मुंह से डसता हूं तो दूसरे से अपनी हिफाजत करता हूं। ले जाओ, ले जाओ। फाइल तो इसका बाप देगा। जाबिर, तू मुझे किसी घटिया बाप का लगता है। अच्छा मेरे बाप, ये तो बताओ कि असली फाइल कहाँ है। के पास है जेके। अगर ये फाइल चाहते हो तो सबको आजाद कर दो। वाह! बाबा भी गरम और बाबे की गोलियां भी गरम। कैसे रिहा कर दूं? जमानत नामा तो तुम्हारे हाथ में है। फाइल लेने के बाद भी अगर तुमने धोखा किया तो याद रखना, ये जमानत नामा तुम्हारे लिए मौत का परवाना बन जाएगा। होशियारी दिखा ली तुमने बरखुरदार। मैं भी कच्ची गोलियां नहीं खेला। जैके, बांधो इस साले को भी। ले जाओ। खेल जाके अब ये खेल मैं खेलूंगा। अपने एक एक जुर्म का हिसाब देना होगा तुम्हें जाके। क्यों? क्योंकि जब मौत आती है तो उसके पर निकल आते हैं। नमक हराम कुत्ते जलील, मैंने तुम्हें अपने सर पर बिठाया था और तुम मेरे कदमों में आ गए। ले जाओ।
अर्जुन, इन सब के कदमों में बम लगा दो। ओके बॉस। सुनो कादर खान, बम तुम्हारे कदमों में है और कंट्रोल मेरे हाथ में। वो सामने मेरा जहाज खड़ा है, वक्त मेरे पास बहुत कम है। अब भी अगर तुमने फाइल का पता नहीं बताया, उधर में एक जहाज उड़ेगा और इधर तुम्हारी लाशों के पर्ख छोड़ेंगे। सहारों के मसीहा, कोई फिर मौजज़ा दिखला। है शुजाअत तेरे घर की, है इमामत तेरे घर की, है शुजाअत तेरे घर की, है इमामत तेरे घर की। हम गुनहगारों की बख्शिश है मोहब्बत तेरे घर की, है इमामों के पैगंबर। दम दम मस्त कलंदर, दम दम मस्त कलंदर, दम दम मस्त कलंदर।
मुझे माफ कर दे कादर खान, अपने बच्चों के सदके मुझे माफ कर दे। अगर तू सिर्फ मेरा दुश्मन होता तो शायद मैं तुझे अपने बच्चों के सदके माफ भी कर देता, लेकिन तू 10 करोड़ आवाम का दुश्मन है, मेरे वतन के सुख चैन अमन सुकून का दुश्मन है। तू गद्दार है, गद्दार है, और गद्दार की सजा मौत होती है। मार! कत्ल की सजा तो तुम पहले ही भुगत चुके हो, मैं कोशिश करूंगा कि हुकूमत तुम्हारी जेल तोड़ने की सजा भी माफ कर दे।